सो गाइस ये वीडियो मैंने ये ड्रिंक मैंने अपने ऊपर ट्राई की थी एंड इट्स बीन लॉन्ग बैक, बट ये क्लिपिंग्स थी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ. एंड मैं हर वक्त यही दुआ करती हूँ कि सबकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ एंड सबको कंसीव हो जाए, बिकॉज वो दर्द मैंने सहा है. एंड PCOS भी ठीक हो जाए, बिकॉज PCOS एक डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है. सो आप स्ट्रेस फ्री रहिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखना, तभी कमेंट करना, एंड मैं अच्छे अच्छे ऐसे वीडियोज लाते रहूँगी. हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मेरा नाम है प्रियल. अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो सो आई लव मेकिंग वीडियोस. यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे व्लॉग्स एंड रिलेटेड टू PCOS भी आपको काफ़ी सारा स्टफ देखने मिलेगा, बिकॉज आई हैव PCOS एंड सिंस 6 ईयर्स एंड मैंने रिसेंटली कंसीव किया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ. नॉट रिसेंटली, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम. आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगी कि मेरा कौन सा मंथ चल रहा है एंड एवरीथिंग. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. गाइस, मैं आपसे ना एक बात बोलना चाहती हूँ. अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, एंड अगर आप मुझे डेली देखते हो, जैसे कि मैं आजकल डेली वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ यहाँ पर, सो प्लीज़ अपनी नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए. मैं आप ही लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे कहा था कमेंट में आके कि प्लीज़ आप ये सारे वीडियोज़ बनाओ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, ये वाली जो क्लिप है ये मैंने काफ़ी पहले शूट की हुई थी, एंड ये क्लिप लकीली मेरे पास थी. सो मैंने ना वर्सेटाइल विक्की की एक टी जो थी PCOS से रिलेटेड, वो मैंने ट्राई करी. एंड ये मैंने बहुत पहले ट्राई की थी, अभी तो मैं इसको ट्राई नहीं कर सकती हूँ. जैसे कि आपको पता होगा या नहीं होगा कि आई एम 8 मंथ प्रेगनेंट, सो मैं अभी ट्राई नहीं कर सकती इसको. बट दिस टी रियली हेल्प मी इन माई PCOS. मैंने इसको कम से कम 2-3 महीने इसको मैंने पिया था, एंड दिस विल गिव यू इमेंस रिजल्ट्स, क्योंकि इसमें सारी वो चीज़ें हैं जो एक PCOS वाले को ज़रूरत पड़ती है. सो मैंने इसको ट्राई किया था ना, तो मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिले थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ शेयर कर दूँ. एंड लकीली आई गॉट द क्लिपिंग्स. ये मेरे लैपटॉप में सेव थी जो मैंने अभी निकाली है थोड़ी देर पहले. सो यहाँ है पूरा वीडियो इसका. मुझे नहीं पता आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है कि नहीं देखा है, जहाँ मैंने शेयर किया है कि व्हाट ऑल ट्रीटमेंट आई वेंट थ्रू एंड मैंने क्या किया. मैंने उसमें काफ़ी ज़्यादा ये बताया कि मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को पहले नेचुरली हील करने की कोशिश की थी, एंड वो नेचुरल चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट की, एंड उस बात की खुशी आप मेरे चेहरे से देख सकते हो. सो बेसिकली ये टी आपको पता है कैसे हेल्प करेगी, आपके वेट लॉस में हेल्प करती है. आपको फुल मतलब आपको भर ऐसा लगेगा जब आप इसको पियोगे ना, उसके बाद आपको भूख नहीं लगती काफ़ी देर तक. प्लस इसमें ना सिनेमन है जो आपके इंसुलिन लेवल्स को कंट्रोल करता है. प्लस इसमें मिंट है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये फेशियल हेयर में. सो मैंने जैसे आपको अपने हर वीडियो में बताया कि मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा फेशियल हेयर है, यहाँ पर भी है पर उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है. नॉर्मल जो लड़कियों को ग्रोथ होती थी उसी टाइप से है, पर यहाँ अच्छी खासी ग्रोथ है. सो अगर आप मिंट वगैरह लेते रहते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. सो मैंने पूरी टी बताई है इसमें कैसे बनाना, वैसे आप उनके चैनल पे भी देख सकते हो जाके. एंड जो जो डाइट्स मैंने फॉलो किए हैं वो वीडियोस जल्द ही आपके पास आएंगे. सो ये जो ड्रिंक है ना, इसको आपको डाइट के साथ ही आपको आपको लेना है, ऐसे नहीं लेना है. एंड दैट्स ऑल. सो आई होप आपको इससे मदद मिलेगी, एंड कमेंट्स ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड व्हाट मोर यू वांट टू सी. ने कहा है कि आपको हेल्दी ईटिंग करनी है जब आप ये ड्रिंक लेंगे. तो गाइस, यहाँ पे मैंने 2 चीला लिए थे बेसन के, एंड उसको मैंने सॉस के साथ लिया है. एंड यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि उन्होंने अपने वीडियो में बताया है कि आपको ये सारी चीज़ें लेनी है, सिनेमन एंड मिंट एंड अदरक लेना है. तो मैंने ये सारी चीज़ें ली, और जैसे कि उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया उसी तरीके से मैंने इसको तैयार कर लिया एंड मैंने स्टोर किया था. सो गाइस, ये वाली जो ड्रिंक है, मैंने ऑलमोस्ट उसको 3-4 मंथ इसको मैंने अच्छे से ट्राई किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया है. सो जब आप कुछ भी नेचुरल होम रेमेडी ट्राई करते हो तो आपको टाइम लगता है, एकदम नहीं होता है, बिकॉज इट्स नॉट एलोपैथी और होम्योपैथी और आयुर्वेदिक कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स देखने के लिए मिल जाए. जैसे कि हम कोई भी चीज़ अपनी स्किन पे लगाते हैं गोरा होने या जो भी करने के लिए, तो वो टाइम लेता है. वैसे ही ये सारी ड्रिंक्स काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती हैं, तो आपको बहुत पेशेंस के साथ एंड हेल्दी ईटिंग करने के साथ आपको करना है. एंड देन उन्होंने लास्ट में बोला था कि इसी वाले जो पानी में आपको ग्रीन टी मिक्स करना है, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन टी मिक्स कर दी. एंड ट्रस्ट में ये बहुत अच्छी लगती है. धीरे धीरे जब आप इसको पीने लगते हो ना, तो आपको इसको आदत हो जाती है. सो इट्स बेटर कि आप जो दूध वाली चाय पीते हो, इससे इसको
आप वो कर लो एंड इसको पियो. सो कहीं ना कहीं दूध हमारे पीसीओएस में इट्स नॉट गुड. एंड मैंने ये ट्राई किया था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ इसको शेयर कर दूँ. जैसे कि आप हर वीडियो में बोलते हो प्लीज़ आप अपनी डाइट शेयर करो, क्या क्या आपने किया. तो मैंने कहा बहुत कुछ किया है, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत मतलब बहुत शिद्दत से चीज़ें की हैं. सो मैं सारी चीज़ें शेयर करते रहूँगी एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करना मुझे एंड डू लेट मी नो कि आपने ये ट्राई की है कि नहीं किया है. ज़रूर से ट्राई करो एंड होप यू सी रिजल्ट्स. एंड मैं भगवान से हर अपने उसमें दुआ करती हूँ कि सब लोगों को कंसीव हो जाए अच्छे से एंड सब लोग खुश रहें. सो गाइस ये ड्रिंक मुझे सूट की है पर्सनली एंड अगर आपको सूट नहीं करती तो आप प्लीज़ फोर्सफुली मत पीना. एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडे एंड प्लीज़ स्ट्रेस फ्री ज़रूर रहें.